हेलो गाइस, वेलकम अगेन। अभी आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कार का रिव्यू तो आपने बहुत सारे देखेंगे, मगर इसमें क्या अलग है, क्या नया है, क्या पुराना है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो है ये वो है जो रिसेंटली लॉन्च किया है महिंद्रा ने, रियल व्हील ड्राइव। इसमें कंपनी ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, सारी चीज़ें वही हैं। बस चेंज है आपका इसमें वो है 4x4 का सिस्टम, वो इसमें से निकल गया है। साथ ही इसमें इंजन का थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें वही है। वेट भी इसका कम हुआ है, अराउंड 150 kg के आसपास इसका वेट कम हो गया है। बाकी पूरी गाड़ी आपको ओवरऑल वही मिलने वाली है, चाहे वो व्हील्स की बात हो, लुक्स की बात हो, फीचर्स की बात हो। और यहाँ पर आपका इसका जो 4x4 का लोगो आता था, बस आपको वो नहीं मिलने वाला, वो आप अलग से लगवा लो, कोई इशू नहीं है उसमें। रियर में हम आते हैं तो रियर में आपको सेम डिज़ाइन मिलने वाला है। गाड़ी अभी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, वही सब कुछ मिलेगा आपको। रेट्रो टाइप इसका टेल लैम्प मिलता है आपको इसमें LED में। वेरिएंट की बात करें तो ये LX है टॉप मॉडल। और ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें, एक्सशोरूम प्राइस की बात करें इसकी, तो 12,04,000 के आसपास इसका प्राइस है। और फीचर्स की बात करें सेफ्टी से रिलेटेड, तो इसमें आपको ग्लोबल NCAP में 4-स्टार रेटिंग किया है इस गाड़ी ने। साथ में साथ इसमें आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, CBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन आपको हिल असिस्ट कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। बाकी सब कुछ सेम है और टायर साइज भी इसका सेम है, आपको 83 इंच के टायर इसमें मिलने वाले हैं। ऑल टेरेन टायर इसमें भी आपको मिलेंगे, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग इसमें महिंद्रा ने किया नहीं है। कमाल की बात बस ये है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और आगे आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे। टायर सेक्शन की बात की जाए तो 255/65/18 इसमें आपको टायर मिलने वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा टायर का साइज है इसमें, कोई इशू नहीं। और इसके बाद इधर यहाँ पर इसका ये फ्यूल टैंक, बैक में आपका ये स्पेयर व्हील डोर पे माउंट हुआ हुआ, सेम वही हार्ड टॉप में आता है, ये डीजल में है ये। आप ये भी इसका पेट्रोल में भी ले सकते हो, पेट्रोल में आपको पावर फिगर मिलने वाला है 150 BHP का और 320 Nm का टॉर्क। इधर डीजल में आपका 170 BHP और सेम टॉर्क इसमें भी रहेगा। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 226 Nm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है। व्हील बेस भी सेम है, व्हील बेस की बात की जाए तो 2450 Nm का व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है। रिवर्स में इधर आपको इस तरह की टेल लाइन मिलेगी इसमें LED में, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इधर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे बैक में, और कुछ इस तरह का बूट मिलता है इसमें आपको। बूट में तो कोई ख़ास स्पेस है नहीं, लेकिन आपको इसको रोल डाउन कर देंगे, ये सीट आपका 40-50 स्पीड हो जाता है टोटल, तो अराउंड 30 लीटर के आसपास बूट स्पीड इसमें आपको मिल जाता है। रियर में आपको ये डिफोगर भी मिल जाएगा, यहाँ आपको साथ में फुट स्टैप मिल जाएगा। इधर आपको इस तरह का बॉडी कलर आपको और भी मिल जाएगा, थार की बैचिंग, यहाँ भी थार की बैचिंग। 2 लीटर का डीजल इंजन इसमें आपको मिलता है एमहॉक, या ये डीजल में आपको इसमें 1.5 लीटर का मिलेगा, पेट्रोल में 2 लीटर का मिल जाता है। फ्रंट में आपको इस तरह की LED में लाइट मिलने वाली है, हेडलाइट वो भी मिलेंगी आपको रेट्रो लुक में। यहाँ पर आपको इसका DRL मिल जाता है, यहाँ बड़ा सा ये इसका प्लेट इसका मैटी ब्लैक फिनिश में। ये वाली ग्रिल महिंद्रा की, इसके पीछे काफ़ी पंगे हुए हैं महिंद्रा के और जीप के, सेम डिज़ाइन है उन दोनों का। यहाँ पर अच्छा खासा आपको बॉनेट मिल जाएगा चौड़ा, काफ़ी गाड़ी की चौड़ाई भी काफ़ी है। यहाँ महिंद्रा का लोगो, महिंद्रा की बैचिंग, लोगो इस वाले वेरिएंट में नहीं है, लोगो मिलेगा आपको टायर पे और पीछे स्टेपनी पे। यहाँ पर इस तरह के व्हील आर्च पे भी क्लैडिंग मिलेगी आपको काफ़ी बड़ी, यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता, इधर आपको ये फेंडर पे एंटीना मिलेगा रेडियो वाला। ड्राइवर साइड अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर का इंटीरियर इसमें मिलेगा आपको, और इधर आपको यहाँ पर थार की बैचिंग मिल जाएगी, फुल ब्लैक इंटीरियर इसमें आपको मिलता है। इधर बोतल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको बड़ा बड़ा महिंद्रा मेंशन होगा। सराउंड से इसमें आपको AC वेंट मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड अगर हम सीट की बात करें तो ये आपका सिर्फ रिक्लाइन के लिए है और रीच के लिए है। अभी चलते हैं ड्राइवर साइड।
ड्राइवर साइड भी आपका सेम रहने वाला है, इधर आपको ये मैनुअली इधर इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं मिरर को। कुछ इस तरह का केबिन रहने वाला है, यहाँ पे ये सीट बेल्ट, इधर ये आपका रिक्लाइन हाइट और रीच के लिए, इधर ये पैडल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाएगा, इधर आपको हेडलाइट लेवलर और टेक्सचर वगैरह के लिए। तो कुछ इस तरह का बैक से आपका कैबिन रहने वाला है। इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर की वो मिल जाता है मिड सिस्टम। इधर आपको रोल केज मिलेगा सेफ्टी के लिए, साथ में इसमें रोल ओवर मेडिकेशन भी आता है। रोल ओवर मेडिकेशन दरअसल वो कि आपका लिंक करता है आपका अट्रैक्शन कंट्रोल से, काम कुछ इस तरीके से करता है कि जब भी आपकी गाड़ी डिसबैलेंस, आपकी गाड़ी जो है कहीं तेज स्पीड पर अगर डिसबैलेंस हो जाती है, उस कंडीशन में आपका रोल ओवर मेडिकेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। काम क्या करता है, वो हर अलग टायर पे अलग तरीके से ब्रेकिंग लगाता है उस कंडीशन में। यहाँ पर दो लोगों की सीटिंग है, इधर आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा एडजस्टेबल। तीन लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, सीट बेल्ट भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कोई कप होल्डर वगैरह तो नहीं है, इधर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा आपको। यहाँ ऊपर रूफ माउंट आपको स्पीकर मिलेंगे, क्योंकि पानी वानी में भी आप इसको ले जा सकते हो ईजीली, तो इसलिए स्पीकर की प्लेसमेंट आपको रूफ में मिलेगी। टोटल ऊपर हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला आपको इसमें, हार्ड टॉप। यहाँ आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है मिडिल में, एलईडी में। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको इस तरह का 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आपका कनेक्ट करेगा। इधर आपका लॉक्ड ग्लो बॉक्स हो जाएगा, छोटा सा है, डिसेंट, बहुत ही छोटा है, बस आप यूजली पेपर वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वॉलेट वगैरह, फ़ोन वगैरह रखने का स्टोरेज, यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। इधर 6 गियर का ट्रांसमिशन, यहाँ दो पावर विंडो के स्विच, यहाँ दो कप होल्डर, एक साथ में आपका ये हैंड ब्रेक, इधर आपका वाइपर के कंट्रोल, इधर लाइट के कंट्रोल, यहाँ सेंटर लॉकिंग, इधर आपका हिल डिसेंट, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, इधर आपका ये आगे आप ऑफ कर सकते हो एयरबैग्स वगैरह को। यहाँ पर मैनुअली आपको एसी का एडजस्टमेंट मिलेगा, यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिलेंगे डिफॉगर वगैरह के। ये सराउंडेड एसी वेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट हो जाना है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता। इधर स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल मिल जाएंगे म्यूजिक से जुड़े हुए, कॉल वगैरह से जुड़े हुए। इधर आपको वॉइस कमांड और यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल, कुछ इस तरह का इसमें स्पीडोमीटर आने वाला है। इधर आपका स्पीडो, इधर टैकोमीटर, बीच में MID नॉर्मल सिंपल, MID से जुड़े हुए कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड रहता है, इधर आपका IRBM रहेगा नॉर्मल। यहाँ पर आपको ये सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा ड्राइवर साइड। तो काफ़ी कुछ है इसमें, सब कुछ वही है जो आपका पहले आ रहा था 4x4 में। कोई खास चेंज इसमें कंपनी ने किया नहीं है, ये अच्छी बात है, सारी चीज़ें वही हैं, प्राइस भी कम हो गया है। ऑल ओवर लुक्स की बात की जाए तो आपको पूरा का पूरा टशन मिल जाता है उसी प्राइस पॉइंट में, जहाँ 4x4 आपको देती है वही सब कुछ देती है। 4x4 बेसिकली हम वैसे भी ऑफ रोडिंग में यूज़ होता है, ये तो है नहीं कि आप उसको हर टाइम 4x4 में चलाएंगे। तो कुछ ऐसी है रियर व्हील ड्राइव महिंद्रा थार। कमेंट में बताइए कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। 12,04,000 एक्स शोरूम प्राइस अभी इसका है। नीचे भी आपको इसका बेस जो आपको मिल जाएगा वो मिलेगा आपको अराउंड 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस में। इसके अलावा इसके साथ ऑप्शन मार्केट में और भी हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आपको इसमें मिलने वाली है। बट ये टिपिकल ऑफ रोडर व्हीकल है, अगर आप वही फैमिली कार के चक्कर में है तो वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। और इसका और ओवल जो मैं बताऊँ आपको, लुक्स आपको सेम मिलता है इसमें, और कुछ नया ऐसा कुछ खास तो इसमें वो चीज़ नहीं है जो कि आपको लगेगा कि बहुत ही अलग चेंजेस हो गए। चेंजेस कुछ नहीं है, हर वो चीज़ जो पहले आती थी वही इसमें मिलेगी। इंजन की पावर में थोड़ी सी कमी है, साथ में इसमें आपको जो लॉकिंग डिफरेंशियल सिस्टम होता था वो चीज़ इसमें से निकाल दी गई है, और जो इसका प्राइस है वो भी कम हो गया है। तो ये फुल ऑफ रोडिंग व्हीकल है,
और अगर बात की जाए सीटिंग की तो चार लोग इसमें बैठ सकते हैं। वैसे ये मेरे हिसाब से तो सिर्फ दो लोगों के लिए है, दो लोग जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे निकले तो उनके लिए कम्फर्ट है। पीछे आप अपना लगेज वगैरह सीट फोल्ड करके डाल लो। तो अभी करते हैं वीडियो क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।